मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। बांदा जनपद में 2 दिवसीय दौरा किया। इसके दौरान बांदा के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त अधिकारियों व जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। प्रभारी मंत्री लाखन सिंह राजपूत आज बांदा पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का रटाया जवाब दिया, जबकि यहां के प्रशासन की लापरवाही उन्होंने खुद देखी और झेली है। जहां फल वितरण के दौरान अंधेरे में फल वितरण करना पड़ा और एक पीड़िता ने घूस लेने की शिकायत भी की थी, इसके बावजूद भी उन्होंने मामले को जांच में अटका दिया। प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी दी और उन पर अमल करते हुए जनपद में योजनाओं को धरातल पर शुरू करने की बात कही। वहीं मंत्री जी से टूटी फूटी सड़कों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जनपद का 2 दिवसीय दौरा किया, लेकिन पूरे जनपद में भ्रमण करने के बाद भी माननीय को गड्ढे नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी समस्या कहीं पर है तो उसे दिखाकर समस्या का समाधान किया जाएगा और PWD को भी इस बारे में अवगत कराकर निर्माण कार्य जारी कराया जाएगा। ऐसे बांदा सरबाज खान की एक खास रिपोर्ट। सरकारी बजट जिसके चलते कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती, जो 5 प्रतिभावान व्यक्ति जनपद बांदा में निवास करते हैं, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है या जिनको राज्यपाल पुरस्कार मिला है, जो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं, ऐसे 5 लोगों को छांटकर मैं स्वयं उनके घर पर जाकर उनको माल्यार्पण करके उनका सम्मान किया। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार उनको घर पर जाकर सम्मानित करने का काम मैंने स्वयं उनके घर पर जाकर किया। जिला अस्पताल बांदा और मेडिकल कॉलेज बांदा, यहाँ पर जितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उतने डॉक्टर्स पीछे कई सालों से आ नहीं पा रहे, क्या कुछ कारण? ये बात सही है आपकी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में विशेषज्ञों की बड़ी कमी है और विशेषज्ञ एक मैं समझता हूँ कि 15 वर्ष में एक विशेषज्ञ तैयार करने में 15 वर्ष लगते हैं और विशेषज्ञ है नहीं। उसके लिए ये विधानसभा में भी बड़ी चर्चा हुई और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जो भी डॉक्टर्स आउटसोर्सिंग से संविदा पर रख रहे हैं वो उनको विशेषज्ञ बनाने का भी काम कर रहे हैं और जो विशेषज्ञ जहां पर ये भी देख रहे हैं कि किसी जिले में एक एक विशेषज्ञ होना चाहिए, वहां पर 3-3 विशेषज्ञ हैं, उनको उधर से हटा के इधर लाने का प्रयास किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर बड़ी गंभीरता से चर्चा कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर उनकी मांग उचित होगी तो सरकार उस पर विचार करेगी और उसको देखेगी। महिला अस्पताल हमारे यहाँ सबके लिए सबसे बड़ी समस्या है बांदा जेल की। यहाँ जेल में 14 प्रमुख वायरिंग है, गुलाहिजा वायरिंग सहित गुलाहिजा वायरिंग की गोली जेलर द्वारा 30,000 के ऊपर लगाई जाती है, बाकी 5,000 से 8,000 में नंबरदारों को ठेके में दे दी जाती है, कैदियों को यातनाएं दी जाती हैं और पहरा लगाने के नाम पर उसे धर्मगारी अंदर की जाती है। ये देखिए, मेरे संज्ञान में ये किसी ने आज फोन के द्वारा मुझे बताया था जी, तो मैं इस बारे में आपको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि कारागार मंत्री जी से बैठ के इसका इस समस्या का निदान कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाऊंगा। प्रत्येक जो भी किसान या जो भी व्यक्ति 4 गौवंश रख सकता है उसका पालन कर सकता है और एक गौवंश पर हम 900 रूपया प्रतिमाह उसको भरण पोषण के लिए उस गौवंश के लिए देते हैं, लेकिन इस योजना का बांदा में कोई लाभ नहीं होता। नहीं नहीं, आज ही मैंने समीक्षा बैठक में इसको बड़ी प्राथमिकता से लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो निश्चित रूप से इस योजना का क्रियान्वयन धरातल पर होना चाहिए और जो गौवंश आवारा गौवंश है उसको हमारे कृषि विश्वविद्यालय की ओर से उन जो आवारा गौवंश है उनमें से गायें छांट कर जैसे देशी गाय है वो देशी दूध दे, इस पर उनका शोध चल रहा है और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं ताकि जब 7-8 लीटर दूध देगी तो वो किसान भी उसको रखने को तैयार हो जाएंगे। इस समस्या का बहुत फौरी स्तर से निदान किया जा रहा है।
दूसरी समस्या मंत्री जी, हमारे यहाँ जो जल संस्थान है वहाँ के कर्मियों को छाने से बेहतर नहीं है, इस वजह से वो लोग पेयजल की सप्लाई समय से नहीं करते, अपना धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, मानने की मांग करते हैं, लोगों को शहरवासियों को पेयजल की समस्या से निदान नहीं हो पा रहा। देखिए ऐसा है कि अगर किसी विभाग की कर्मचारियों की कोई समस्या है और वो उनका फंडामेंटल राइट है कि अपना मांग कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है, उसको देखा जाएगा, अगर पॉलिसी मैटर में आता है तो उनका निदान जरूर किया जाएगा। इसका इफेक्ट पब्लिक में पड़ रहा है, पब्लिक को जल नहीं मिल रहा है, जल आपूर्ति नहीं हो पा रही। नहीं, अगर अभी मेरे